الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين بالقاسم المصطفى محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله الحكيم فيه محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اپنے کلام بلاغت نظام میں خطاب اہل ایمان سے ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ تقوی الہی اختیار کرو ولتنظر نفس ما قدمت لغد اور ہر نفس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے وَاتَّقُوا اللَّهِ اور تقوی الٰہی اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً اللہ ہر اس عمل سے واقف ہے جسے تم انجام دیتے ہو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اور دیکھو ان کی طرح ہرگز نہ بننا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا نتیجے میں خدا نے ان کو خود فراموشی کا شکار کیا اولئک هم الفاسقون یہی وہ ہیں کہ جو فاسق و گنہگار ہیں عزیزان محترم کل سے سورة الحشر کی 19th آیت پر گفتگو ہو رہی ہے جس میں حکم پروردگار عالم کا یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ دیکھو ہرگز ان کی طرح ہرگز نہ بننا کہ جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ تو نتیجے میں اللہ نے ان کو خود فراموشی کا شکار کیا اُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ یہی وہ ہیں کہ جو فاسق و گنہگار ہیں آپ حضرات کو اگر یاد ہوگا تو کل کی مجلس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اللہ اور آخرت کی یاد بھلا دیتی ہے اور ان چیزوں میں سے ایک یہ دنیا ہے اور اس کی گہری محبت میں نے حدیث
मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में ये साबित किया, ये बताया कि दुनिया और उसकी गहरी मोहब्बत ऐसी सीफत है, ऐसी क्वालिटी है, ऐसी एट्रीब्यूट है कि जो इंसान के अक्ल को फासिद कर देती है और इंसान को नाबीना कर देती है, यहां तक कि यह इंसान अल्लाह को भूल जाता है, अपनी आकिबत को भूल जाता है। जहां इस्लाम ने हमें यह बताया है कि अक्ल की सीफतें क्या क्या हैं और जिहालत की सीफतें क्या क्या हैं, वहां साथ साथ ये भी बता दिया कि ये दुनिया जो है ये जिहालत का मंबा है, जिहालत का सरचश्मा है, और इससे कोई भी अगर बेहद और गहरी मोहब्बत करता है तो फिर ये सीफत उसके अक्ल को फासिद कर देती है और ये अंधा हो जाता है। इसी सिलसिले में मौलाए मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि ये फरमाया है कि हुब्बुद दुनिया युफसिदुल अक्ल, दुनिया की गहरी मोहब्बत अक्ल को फासिद कर देती है और लोगों को हिकमत भरी बातों को सुनने से बहरा कर देती है, इमाम फरमाते हैं, और दर्दनाक अजाब इलाही का इस इंसान को मुजिब बना देती है। एक दूसरी हदीस के अंदर, और यह मरवी है हमारे और आपके साथ में इमाम मूसा बिन जाफर अल काज़िम सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि, आप फरमाते हैं कि मसलु दुनिया कमसलिल हय्या, दुनिया की मिसाल जो है वो सांप जैसी है, स्नेक जैसी है, लय्यनुन मस्सुहा, अगर उसे छुआ जाए तो ये नरम है, सॉफ्ट है, वफी जौफिहा अस्सुमुल कातिल, लेकिन उसके पेट में मोहलिक जहर है, यानी डिस्ट्रक्टिव पॉइजन है। और फिर जो जुमला इमाम ने फरमाया, अजीब जुमला है, फरमाया युहज़िरुहा ज़विल उकूल, लिहाजा जो अक्लमंद लोग होंगे दुनिया के अंदर वो इससे अपने आप को महफूज रखेंगे, यानी दुनिया और दुनिया की गहरी मोहब्बत से। तो मेरे दोस्तों, ये वो एक चीज है जो हमें बताया गया है दोनों कुरान मजीद के अंदर और अहादीस मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अंदर, के जिसके जरिए से इंसान अल्लाह और आखिरत को भूल जाता है। कल एक भाई ने मुझे ये सब मुझसे ये सवाल किया, उसने कहा तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस दुनिया के अंदर आए हैं तो दुनिया के अंदर इस दुनिया को हासिल करने की कोशिश न करें। भाई ये मतलब नहीं है, ये मकसद नहीं है कि भाई हम आए हैं दुनिया के अंदर तो बस मुसल्ला बिछाएं मस्जिद के अंदर, उस पर बैठकर अल्लाह अल्लाह करें, नहीं मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर इस कदर मुनहमिक न हो जाए कि खुदा को भूल जाए, ये मतलब है। और जरूरी यह है कि बंदा अपनी जिंदगी में एक बैलेंस रखे दुनिया और आखिरत के दरमियान। यकीनन दुनिया के अंदर हम आए हैं तो जरूरी यह है कि इस दुनिया के अंदर भी हम जिए, अच्छी तरह से जिए। ए अमल दुनिया के पैगंबर फरमाते हैं कि अपनी दुनिया के लिए इस तरह अमल कर का अन्नकत आईशु अबदा, जैसे हमेशा के लिए तुझे उसके अंदर रहना है। और फिर आपने फरमाया हुआ अमल आखिरतिक, और अपनी आखिरत के लिए इस तरह अमल कर का अन्नक तमूतु गदा, जैसे कल तुझे मरना है। तो जिन अमाल को हम अंजाम दे इस दुनिया के अंदर, जरूरी यह है कि अल्लाह की खुशनुदी और नाराजगी का एहसास और तसव्वुर अपने दिलों दिमाग में रखे, और यही मतलूब है। तो यह है एक चीज जिसका जिक्र आया है कि इंसान जब बस दुनिया के अंदर पड़ जाता है तो खुदा से गाफिल हो जाता है। दूसरी चीज जो इंसान को अल्लाह और आखिरत की याद से गाफिल बना देती है और जिसका जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर आया है,
ये माल और औलाद हैं। सूरतुल मुनाफिकून की नौवीं आयत में इरशाद होता है और यहां पर भी साहिबान ईमान से खिताब किया गया है, उन लोगों से खिताब किया गया है जिनसे कहा गया है कि तुम तक्वे इलाही हासिल करो, उनसे खिताब किया गया है जिनसे कहा गया है कि तुम आखिरत के बारे में सोचो कि तुम आखिरत की तरफ किन अमाल को भेज रहे हो। खुदावंद आलम ये कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए साहिबाने ईमान, ए ईमान लाने वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। होशियार रहना, खबरदार रहना, न तुम्हारा माल न तुम्हारी औलाद कहीं तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल बना दे। वमन यफअल ज़ालिका, और जिसने ऐसा किया यानी अल्लाह से गाफिल हो गया, फउलाइक हुमुल खासिरून, तो यही वो है कि जो घाटे में है, यही वो है कि जो खसारे में है, जो नुकसान में है। तो इस आयत के अंदर खुदावंद आलम ने दो ऐसी चीजों से बचने के लिए और खबरदार रहने के लिए कहा है कि जो हर इंसान के लिए इस दुनिया के अंदर अहम तरीन और अजीज तरीन चीजें हैं, और अक्सर लोग इस दुनिया के अंदर इन्हीं दो चीजों की वजह से अल्लाह को भूल जाते हैं, आखिरत को भूल जाते हैं, और वो है माल और औलाद। कुरान मजीद का अगर हम मुतालिया करें तो अंदाजा होगा कि कुरान मजीद के अंदर भी कई मकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में खुदाबंद आलम ने हमें इन दो चीजों से बाखबर रहने के लिए कहा है, बल्कि हुक्म दिया है कि भाई इन दो चीजों का ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अल्लाह से गाफिल हो जाओ। और कभी कभी हम ये देखते हैं कि कुछ आयतों के अंदर इन दो चीजों का जिक्र खुदावंद आलम ने दुनिया के जिक्र से इस तरह मिला दिया है कि हमें यह अंदाजा हो जाए, यह एहसास हो जाए कि माल और औलाद सिर्फ और सिर्फ दुनिया ही की चीजें हैं, इसकी कोई अहमियत और वजूद खुदा के नजर में नहीं। आप उठाएं कुरान और पढ़ें, मिसाल के तौर पर सूरतुल कहफ के अंदर खुदावंद आलम साफ अल्फाजों में कह रहा है, यही माल और औलाद के जिसके लिए हम दिन रात यहां पे काम करते हैं, जिंदगी गुजार देते हैं। खुदा कहता है, अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये कुछ नहीं बस जीनत है जिंदगानी दुनिया की, यानी कि एक डेकोरेशन है, एक एडोनमेंट है इस जिंदगी के लिए। वल बाकियातुस सालिहात खैरुन इंद रब्बिका सवाबा व खैरुन अमला, और जो हमेशे के लिए रह जाने वाली है वो तुम्हारी नेकियां हैं जो तुम्हारे रब के नजदीक लायक अजर है। देखा आपने, दूसरे मकाम पर सूरतुल हदीद के अंदर खुदावंद आलम फिर से दुनिया का जिक्र कर रहा है, दुनिया के साथ साथ माल और औलाद का जिक्र कर रहा है। इअलमु अन्नमल हयातुद दुनिया लहवम वलाइब, जान लो कि जिंदगानी है दुनिया सिवाय खेल कूद के, तमाशे के और कुछ नहीं है। वजीनतुन, और ये जीनत है, एक डेकोरेशन है, एक एडोनमेंट है। व तफाखुरुन बैनकुम, और ये वो जगह है जहां तुम एक दूसरों पर, एक दूसरे पर लोग तकब्बुर और नाज करते हैं। वह तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, और माल और औलाद के कसरत की एक भाग दूर है। खुदा कह रहा है ये जगह है कि माल और औलाद के कसरत के लिए बस इंसान सही करता है। तो फिर से लेकिन इस आयत में माल और औलाद को दुनिया के साथ खुदा ने कनेक्ट किया है। और एक और मकाम पर सूरतुल अनफाल के अंदर खुदावंद आलम हमें कह रहा है, वअलमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, जान लो, समझ लो इस बात को कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद जो है तुम्हारे लिए बाइस फितना है। मतलब यह कि इन दो के जरिए से तुम्हारा इम्तिहान दिया जा रहा है कि कहीं तुम अल्लाह से और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल तो नहीं हो जाते।
तो मुख्तलिफ आयतों में हम देखेंगे खुदाबंदे आलम ने इन दो चीजों का जिक्र किया है कि ये दो ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए से तुम अल्लाह और अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाओगे, और कभी कभी दुनिया के साथ इन दो चीजों का जिक्र किया ताकि पता चल जाए कि ये दो चीजें सिर्फ दुनिया ही की चीजें हैं, खुदा की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं है। तो ये हुआ माल और औलाद के बारे में। आज की मजलिस और इंशाल्लाह गालिबन कल की मजलिस में इंशाल्लाह माल के मुतालिक जरूरी बातों पर, चंद जरूरी बातों पर हमें गौर करना है, और इंशाल्लाह उससे मोमिनीन फायदा भी हासिल करेंगे। ये माल एक चीज माल है कि जो इंसान को अल्लाह और आखिरत की याद भुला देती है। माल, माल यानी दौलत, हर इंसान इस दुनिया के अंदर यह ख्वाहिश रखता है, यह तमन्ना रखता है कि उसके पास माल दुनिया आ जाए, दौलत आ जाए। हर इंसान भाई छोटा हो या बड़ा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी हो, यहां तक कि आजकल तो माशाल्लाह मौलवी हजरात भी तमन्ना रखने लगे है या नहीं कि भाई हमारे पास भी BMW होना चाहिए, हमारे पास भी मर्सिडीज, हम क्यों रह जाएं मियां, सिर्फ आप चलाएं, है या नहीं। तो हर इंसान की यह ख्वाहिश है और ये तमन्ना है। एक भाई दो रोज पहले जवान है और खुदा उसकी उम्मीदों को इंशाल्लाह पूरी करेगी। हमसे कह रहा था कि मेरी यह ख्वाहिश है, मेरी यह तमन्ना है कि इंशाल्लाह मैं मल्टी मिलियनेयर बन जाऊं। यार यही की बात है, दोस्त है, और उसने कहा कि जानते हो क्यों? मैंने कहा क्यों, पूछा क्यों, तो उसने कहा कि मैं अगर खुदा ने मुझे मालामाल कर दिया, मैं मल्टी मिलियनेयर बन गया, तो मैं रिटायर हो जाऊंगा और रिटायर होने के बाद अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करूंगा, चैरिटी में दूंगा। तो नेक नीयत है या नहीं। और हम सब जब भी दुआ करते हैं तो यही कहते कि खुदाया इतना माल दे कि हम फिर उस माल को तेरी राह में खर्च करें, है या नहीं। और खुदा जब देता है तो कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो शुरू में खैरात तो करते हैं, रफ्ता रफ्ता जमाना आता है कि जब बुखल करने लगते हैं, कंजूसी करने लगते हैं, है या नहीं। तारीख में भी कई ऐसे लोग पैगंबर के जमाने में पाए गए और आज भी, और इस जिंदगी में कई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जो हमसे कहा करते थे तुम दुआ करो बस खुदा हमें पैसा दे और फिर देखिएगा तमाशा हम क्या नहीं करते हैं इस कौम के लिए। और 10-15-20 साल के बाद जब मुलाकात हुई पता चला कि भाई मिलियनेयर है, एक सेंट नहीं दे रहा है, या नहीं। हिंदुस्तान में एक हिंदू गुरु से मेरी मुलाकात हुई। अब ये काफर लोग जो होते हैं ये भी जो है कभी कभी हिकमत की बातें करते हैं, विजडम की बातें भी सुनाते हैं। तो मुलाकात हुई, बस ये बहुत पुरानी बात है, जिस जमाने में मैं लखनऊ में पढ़ता था, तो बात पे बात आई बस ये दुनिया और माले दुनिया के बारे में। तो उसने कहा कि एक आदमी था, एक शख्स था कि जो मंदिर में रोजाना आता था और मूर्ति के सामने खड़े रहकर यही कहा करता था, हर वक्त आता था यही कहा करता था कि हे भगवान 56 करोड़ की चौथाई दे दे, तेरा क्या बिगड़ेगा। ये वो गुरु मुझे सुना रहा है, कहा ये जब भी आता, कहा साल हा गुजर गए, ये बेचारे को 56 करोड़ के एक कोड़ी कुछ नहीं मिला उसको बेचारे को। तो एक मर्तबा आया है सालों के बाद, तो बहुत खफा था, बहुत नाराज था, आके मूर्ति के सामने खड़ा हो गया, कहा ए भगवान तू कैसा भगवान है, हा सालों से मैं तेरे पास मांग रहा हूं कि तू मुझे 56 करोड़ की चौथाई दे दे, तेरा क्या बिगड़ेगा, और तूने कुछ नहीं दिया, जिंदगी गुजर गई। तो गुरु कहता है कि आवाज आई कि ए मूर्ख 56 करोड़ की चौथाई तुझे देकर मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, डर है कि कहीं तुझे देकर सब कुछ तेरा ही ना बिगड़ जाए। हाँ, तो कभी कभी इंसान के पास कुछ नहीं होता तो नेक और साले होता है, दीनदार होता है, लेकिन जब खुदा इम्तिहान के तौर पे माल दे देता तो फिर यही बंदा है कि जो गुस्ताखी करता है और उस नेमत से कुफरान नेमत करता है। ऐसे लोग भाई हमारे, मैंने कहा कि माल दुनिया और दौलत के लिए हर इंसान चाहता है, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा भी हो, ऐसा शख्स एक पैर कब्र में आ, चल नहीं पाता,
सहारे की जरूरत पड़ती है और ये भी तमन्ना रखता है कि मैं भी मल्टी मिलियनेयर हो जाऊं। पता नहीं सोने की कब्र बनाना चाहता है खुद के लिए। कहा एक पुराने जमाने की बात है, पुराने जमाने की जब बात करते उसका मतलब ये नहीं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हम अपने बचपने की बात करते हैं, हम तभी जवान हैं। तो हम जब टीनेज थे तो मैंने क्या देखा, मुंबासा के अंदर मस्जिद में एक रोज शबे जुमा को, अब शबे जुमा को वहां पर मगरिबेन की नमाज के बाद मजलिसें होती है और मजलिस के बाद लोग तबरुकात भी लाते हैं, तबरुकात भी बढ़ते हैं। तो एक शख्स आया, पूरी कौम जो है वो जानते थे उस शख्स को कि कौन है, और कौम का खादिम भी था बेचारा, तो काफी ज़ईफ हो गया, 40 से 50 साल तक उसने खिदमत अंजाम दी है कौम के लिए। अब जो आया है चल नहीं पाता, मस्जिद के दरवाजे पर आके खड़ा रह गया, लोग बैठे हैं और कुछ बुजुर्ग भी मौजूद थे, आज कोई नहीं रहे, सब चले गए, मगर एक बुजुर्ग ज़ईफ शख्स बैठा हुआ था। ये आए और दरवाजे पर खड़े रहकर उसने अपने हाथों को इस तरह उठाया जिस तरह हम कुनूत में उठाते हैं, और उसने बिल्कुल यही बात कही, कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया 56 करोड़, कहा खुदाया दुनिया के अंदर तू मुझे 56 करोड़ दे, बूढ़ा हो गया चल नहीं पाता, एक पैर कब्र में है, सांस भी अच्छी तरह से नहीं ले पाता, अरे देख भी अच्छी तरह से नहीं पाता, और मांग रहा है 56 करोड़। तो वो बुजुर्ग एक मर्तबा उठे, वो तबरुकात में से एक कबाब उठा के उसके हाथ पे रख दिया, कहा ये तेरा 56 करोड़ है। मुगल मस्जिद मुंबई के दरबार, ये कुछ मिसालें सुनाता हूं, हंस लेते हैं लेकिन समझे इस बात को, जो हिंदुस्तान से आते हैं खासतौर से मुंबई से वो वाकिफ होंगे इस बात से, या जो गए हैं कि वहां एक मस्जिद है बहुत पुराना मस्जिद, मुगल मस्जिद। उस मस्जिद में जब मैं हिंदुस्तान था या जब जाता हूं तो जरूर नमाज पढ़ने के लिए जाता हूं। तो एक रोज जब नमाज पढ़ने के लिए गया तो क्या देखा कि मस्जिद के बाहर एक फकीर खड़ा हुआ है। अब वो फकीर भी कोई यंग मैन नहीं था, कोई जवान नहीं था, बूढ़ा हो चुका था, ज़ईफ हो चुका था, और बेचारा लंगड़ा था, एक पैर से, एक पैर नहीं था उसके पास, दूसरे पैर एक पैर से खड़ा हुआ था, और फिर अपनी असा पर टेका दिया हुआ था और एक हाथ को आसमान की तरफ बुलंद करके जोर जोर से चिल्ला रहा था, इस तरह जोर जोर से कि मैंने भी मेमोराइज कर लिया कि वो क्या कह रहा था। उसने कहा या रब देगा कब, या रब देगा कब, मर जाएगा सब देगा तब। तो ये देखा, ये है माले दुनिया मेरे दोस्तों, हर इंसान की ये ख्वाहिश है, ये तमन्ना है कि खुदा हमें माले दुनिया अता करे, माला माल कर दे, हमें मल्टी मिलियनेयर बना दे। बच्चों की भी ये तमन्ना, जब दूसरों को देखते बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते, जवानों को भी देखे वो भी ये सब ग्लैमर और सब देखते, कहा नहीं यही सक्सेसफुल जिंदगी है, हमें तो माले दुनिया चाहिए, है या नहीं। मिडिल एज आदमी भी यही तमन्ना रखता है, और बूढ़े जाते जाते दुनिया से भी यही तमन्ना और ख्वाहिश लेकर जाते हैं कि खुदाया तू माल दे। तो ये है ऐसी चीज। अब आए जरा सुने कि माल की हकीकत क्या है इस्लाम के अंदर, माल कैसी चीज है। उलमाए अखलाक ये लिखते हैं, और इस बात को गौर से सुनिएगा, मजेदार बात है। वो लिखते हैं कि इसमें कोई शक और शुबा की गुंजाइश नहीं। उलमाए लिखते हैं कि माल अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, इट इज वन ऑफ द बाउंटीज ऑफ अल्लाह, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये एक अजीब किस्म की नेमत है। कैसे, फिर लिखते हैं युखज मिनहु कुल्लु व युसअल अनहु कुल्लु। ये ऐसी नेमत है जिसको एक न एक दिन इंसान से ले लिया जाएगा। ये माले दुनिया और दौलत की बात हो रही है, हा? कि इंसान से ले लिया जाएगा, यानी इंसान को इस नेमत से अलग कर दिया जाएगा। अगर खुदा ने माल नहीं ले लिया तो इंसान को माल से अलग कर दिया जाएगा उसकी मौत पर हमेशा के लिए, और ना वो अपनी कब्र में अपने माल को ले जाएगा। तो उलमा लिखते हैं कि युखज कुल्लु, जो माल है उसके पास ये ले लिया जाएगा, वह युसअल अनहु कुल्लु, और फिर उसके बाद उसकी कोड़ी कोड़ी पर, उसके सेंट सेंट पर बंदे का हिसाब लिया जाएगा। यह है माले दुनिया। तो माल के लिए दुआ करें कि खुदाया दे 56 करोड़, लेकिन हम तैयार हैं अल्लाह की बारगाह में खड़े रहकर जवाब देने के लिए सेंट सेंट का हिसाब देना पड़ेगा। अन्नराकी अपनी किताब जामिउस सआदात के अंदर ये लिखते हैं कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि युता बिरजुलिन यौमल क़ियामति
كسب مالا من الحرام وانفقه في حرام فيقال اذهبوا به الى النار. आप फरमाते हैं कि कयामत के दिन ऐसे शख्स को लाया जाएगा कि जिसने दुनिया के अंदर हराम के रास्ते से माल को पाया होगा, हराम के जरिए से हासिल किया होगा और हराम ही में उसका खर्च किया होगा, सर्फ किया होगा। यह हदीस है नराकी जामिउ सआदात, यह हवाला दे रहा हूं, पढ़े हम। कहा तो ऐसे के लिए फयुकाल इज़हबू बिही इलन नार, कहा जाएगा कि इसे जहन्नम की तरफ ले जाओ, हराम का जरिया और हराम में सर्फ किया, ये जाए जहन्नम में। वयुता बिरजुल कसब मालन मिन अल हलाल व अनफकहू फी हराम फयुकाल इज़हबू बिही इलन नार। उसके बाद ऐसे शख्स को लाया जाएगा कि जो माल को हासिल तो हलाल के जरिए से किया होगा लेकिन उस माल को हराम में खर्च किया होगा। जिस तरह आदतन लोग करते हैं, हलाल के जरिए से कमाते हैं लेकिन मोश और मजा करने के लिए हराम जगहों पर अपने माल को इस्तेमाल करते हैं। और मैं खास तौर से कहा करता हूं, इसमें डरने की कोई बात नहीं, मेरा फरीजा है जो अदा कर रहा हूं, खास तौर से शादियों के मौसम में मौकों पर जब वो रिसेप्शन रखते हैं, आप देखें कि नेक लोग, नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, हज और जियारात जाने वाले, लेकिन रिसेप्शन के अंदर जो कुछ कर रहे हैं अगर आप जाएं तो आपको हैरत होगी कि ये साहेबान ईमान हैं, ये आले मोहम्मद के चाहने वाले हैं। आजकल तो फैशन निकला है, हाँ, नाच गाने वालों को भी लाया जाता है, आते नाचते हैं और इसमें भी कॉम्पिटिशन कौन किस रूप को लेके आया है या नहीं। फरमाते हैं कि दूसरा शख्स वो होगा कि जो हलाल के जरिए से कमाया होगा लेकिन हराम में अपने माल को सर्फ किया होगा, तो फयुकाल इज़हबू बिही इलन नार, इसे भी जहन्नम की तरफ ढकेला जाए। फिर पैगंबर फरमाते हैं वयुता बिरजुलिन कसब मालन मिन अल हलाल व अनफकहू फी हलालिही। उसके बाद ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसने माल को हलाल से हासिल किया होगा और हलाल ही में सर्फ किया होगा। तो ऐसे को यह नहीं कहा जाएगा कि भाई तू जन्नत में जा, ऐसे को फयुकालु लहू कैफ, पैगंबर फरमाते हैं कि ऐसे से कहा जाएगा तू ठहर जा क्योंकि अभी तुझे हिसाब देना है। अब जो वो रुका है तो उससे सवाल पूछा जाएगा, ये हदीस पैगंबर है, मिंबर रसूल से मैं बयान कर रहा हूं, आपने फरमाया कि इससे पूछा जाएगा कि कहा जाएगा कि हो सकता है कि इस हलाल माल को हासिल करने के लिए शायद तूने वाजिबात में से अपने किसी वाजिब अमल को तर्क किया होगा, जैसे नमाज है जिसे तूने उसे अपने वक्त पर अदा न किया होगा या फिर उसके रुकू सुजूद और वजू को अच्छी तरह से नहीं बजा लाया होगा। होता है कभी माल को हासिल करने के लिए तेजी से इंसान इस अमल को अंजाम देता है, इस तरह के कब क़याम में खड़ा रहा, कब रुकू में गया, कब सुजूद को बजा लाया, बस तेजी से क्योंकि माले दुनिया हासिल करना है या नहीं है? तो कहा जाएगा, बंदा कहेगा नहीं परवरदिगार, इस माल को हासिल करने के लिए मैंने वाजिबात में से किसी भी वाजिब अमल को तर्क नहीं किया था। तो फिर खुदा उससे कहेगा कि हो सकता है कि फिर तूने इस माल का फजूल तरीके से खर्च किया हो। तो कहेगा नहीं परवरदिगार, मैंने फजूल तरीके से भी खर्च नहीं किया था। तो फिर खुदा कहेगा कि हो सकता है कि अपने इस माल में से तूने दूसरों के हुकूक को अदा न किया हो, मिन ज़बिल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबने सबील, जैसे तेरे मोहताज रिश्तेदार हैं, यतीम है, मिस्कीन है और इब्नु सबील है कि जिनके हुकूक को तूने अदा नहीं किया होगा। बंदा कहेगा परवरदिगार, मैंने इन तमाम लोगों के हुकूक को अदा किया, तो उन तमाम लोगों को महशर में तलब किया जाएगा गवाही देने के लिए। वो आएंगे और जब सब के सब गवाही दे देंगे तो उससे फिर कहा जाएगा ठहर जा, अभी भी तेरा हिसाब तमाम होने नहीं पाया, अभी भी तेरा हिसाब बाकी है, जरा यह तो बता कि तूने मेरी इस नेमत का शुक्र कैसे अदा किया था। अन्नराकी जामिउस सआदात के अंदर ये लिखते हैं मेरे दोस्तों कि सोचने का मकाम है कि अगर हलाल से माल दुनिया हासिल करने वाले का ये आलम होने वाला है कयामत के दिन, तो हम जैसे खताकारों और गुनाहगारों का क्या आलम हो। बस यही वजह है कि पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि यदखुलु फुकराउ उम्मतिल जन्नह कब्ल अग्नियाइहिम बिखम्सु मिअत आमिन,
मेरी उम्मत के जो तंदरुस्त लोग हैं, पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, वो तवंगरों से, मालदारों से, सर्वतमंदों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। ये पैगंबर की हदीस। और आपने अपने साथी जनाब अबू जर गफारी से ये फरमाया कि या अबाजर अल्किल्लाह फकीरन वला तल्किही गनिया, अगर हो सके तो अल्लाह को तंगदस्ती के आलम में मिलना, तंगदस्ती के आलम में अल्लाह से मुलाकात करना, तवंगर और सर्वतमंद बन के मुलाकात न करना। क्यों? पैगंबर ने समझाया कि जब मेरी नजर जन्नत पर पड़ी है, मेराज की बात हो रही है, तो मैंने क्या देखा कि जन्नत के बसने वाले अक्सर फुकारा थे, गरीब थे, और जब जहन्नम पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने देखा अक्सर लोग वहां सर्वतमंद थे, जो दुनिया के अंदर खुदा ने माल दुनिया अता किया लेकिन वो अल्लाह को भूल गए और ना शुक्रान बने। और फिर खुद पैगंबर की यह दुआ मशहूर है, अल्लाहुम्मा अहयनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन व हशुरनी फी जुमरतिल मसाकीन। ए परवरदिगार, तुम मुझे जिंदगी मिस्कीनों की अता कर, मौत मिस्कीनों की अता कर, और कयामत में मेरा शुमार भी मिस्कीनों के साथ कर। तो यह है माल की हकीकत। माल चाहते हैं दो दिन की दुनिया के अंदर और सब कुछ करने के लिए तैयार है, यह है माल की हकीकत। जिनको खुदा वंदे आलम ने दिया है, नहजुल बलागा के अंदर मौलाए कायनात फरमाते हैं एक मकाम पर माल और दौलत के बारे में, वफी हलाल ही हिसाबुन वफी हराम ही इकाबुन। उसके हलाल में हिसाब है, इंसान बच के नहीं जाएगा, और उसके हराम में इकाब है, यानी कि अजाब इलाही है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझे, ये वो चीज है जो इंसान को अल्लाह की याद से गाफिल बना देता है। माल दौलत इंसान को अल्लाह से, तो जिन लोगों को खुदा ने माले दुनिया अता किया है या वो के जो माले दुनिया हासिल करना चाहते हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझे कि क्या उनके लिए ठहर रहा है आखिरत के अंदर। अब जिन लोगों को खुदा ने इस दुनिया के अंदर माले दुनिया अता किया है, वो और उनके अलावा तमाम लोगों के लिए यह बात कही गई है, लेकिन खास तौर पर उन लोगों के लिए के जो सर्वतमंद हैं, जो तवंगर हैं, जिनको खुदा ने अपने फजलो करम से माल दिया। लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये बातें जो हैं इन्हीं के लिए है, बल्कि हम सबके लिए है। बताया गया है, उलमाए अखलाक ये बताते हैं कि जरूरी यह है कि ऐसे लोग जो हैं अपने आप को कुछ नफ्स की बीमारियों से बचाएं, जिनको खुदा ने माल दिया है और जिनको नहीं भी दिया है। इस बात को मैं रिइटरेट कर रहा हूं क्योंकि आप सुनेंगे आगे चल के कि कैसी बातें हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं जो ऐसे लोगों के अंदर आती है। एक बीमारी जिसका जिक्र आया है, हिर्स है, लालच, लालच, ग्रीड जिसे कहते हैं। दो चीजें ऐसी हैं, ये जितनी बढ़े इंसान की जिंदगी में इंसान कम महसूस करता। एक इल्म है, नॉलेज है, जितना इंसान के अंदर नॉलेज बढ़ता है वो उसे कम समझता है और मजीद नॉलेज का तलबगार होता है। और दूसरी चीज माले दुनिया है, जितना बढ़ता है उतना इंसान ज्यादा चाहता है। और लालची इंसान कौन होता है? वो होता है कि जो इतना माल आने के बाद, नेमत है खुदा की, ये अपने माल का मजा नहीं उठाता, बस मजीद की फिक्र में रहता है, मजीद की फिक्र में कि बस और आए बैंक बैलेंस बनते जाए और मैं कौम के अंदर फुला लोगों के साथ मुकाबला कर सकूं और लोग कह सके कि भाई मैं मल्टाई मल्टाई के मल्टाई मिलियनेयर बन चुका हूं और मैं ये हूं और मैं वो हूं। है या नहीं? कहा हिर्स से बचे जरूरी है, और आम लोगों के लिए भी जरूरी है कि लालच से बचे। लालच एक ऐसी नफ्स की बीमारी है कि जिसके बारे में हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि खुदावंद आलम ने हदीस कुदसी के अंदर ये फरमाया है, ये कहा है कि अगर आदम के बेटे के पास दो वादियां होती, वादी कहते हैं वैली को जो दो पहाड़ों के दरमियान में होती है वादी, कि अगर आदम के बेटे के पास दो वादियां होती, टू वैलीज, इफ द सन ऑफ आदम है टू वैलीज, एक सोने की वादी और एक चांदी, अ वैली ऑफ गोल्ड एंड अ वैली ऑफ सिल्वर,
तब भी ये तीसरी वादी की तमन्ना और ख्वाहिश करता। यह हदीस कुदसी के अंदर इमाम फरमा रहे हैं कि इसका जिक्र खुदा बंदे आलम ने खुद दे किया है। और फिर खुदा ये कह रहा है कि यबना आदम, ए आदम के बेटे, इन बतनक बहरुम मिनल बुहूर ववादिम मिनल औदिया, यकीनन तेरा पेट जो है वो समंदरों में से किसी समंदर की तरह है, वादियों में से किसी वादी की तरह है। ये पेट का जिक्र हो रहा है। और फिर खुदा ने कहा ला यमलअहु इल्ला तुरा, जिसे सिवाय खाक के और कुछ भी नहीं भर सकता। खाक यानी इंसान जब मर जाएगा और लोग उसे सुपुर्द खाक कर देंगे तब जाके उसकी लालच खत्म होगी। जरूरी यह है कि इंसान इस बात को समझे अच्छी तरह से, जो कुछ खुदा ने दिया है, जो कुछ आ रहा है, शुक्र अदा करे, नेमतों का मजा उठाए, और मजा भी हलाल तरीके से, हराम तरीके से नहीं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। बस मजीद 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 की फिक्र यहां तक के मस्जिद में भी आना बंद कर दे। अरे भाई कब्रिस्तान में भी लोग नहीं जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के कब्रों पर लोगों के पास वक्त नहीं, पता नहीं यहां यह मुसीबत है या नहीं, लेकिन वेस्ट के अंदर आदतन लोगों के पास टाइम नहीं, फुर्सत नहीं। अरे बाप की कब्र है, माँ की कब्र है, भाई की कब्र है, हो सकता है कुछ के बेटे की कब्र हो, रिश्तेदारों हैं, अजीज है, अगर कोई ना हो तब भी मोमिनीन की तो कब्रें हैं वहां पर, हुक्म यह है कि तुम जाओ, लेकिन फुर्सत कहाँ है भाई। कहा संडे को मजलिस हो रही है, अभी 7 दिन तक काम करते हैं, वो कमाने में मसरूफ है, बस माल जमा करने में मसरूफ है, 1 दिन तो आराम करना चाहिए, और उस 1 दिन में भी वो ब्लूटूथ लगा के बैठे हुए। ये फुर्सत नहीं है या नहीं कि जाओ ऐसी जगह पर और जाकर देखाओ कि जिंदगी की हकीकत क्या है। अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कुरान के अंदर खुदाबंद आलम यह कह रहा है अल्हाकुम, हलाक किया है तुमको किस चीज ने, माल और दौलत की कसरत ने, यहां तक कि तुम कब्रिस्तान जाओगे, या तो जिंदगी के अंदर जाकर देखो कि लोगों की क्या हालत है, या तो फिर मरने के बाद तुम्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा, तब पता चलेगा कि क्या आलम होने वाला है। तो जरूरी यह है कि हम अपने आप को लालच से बचाए, खुदा ने जो दिया है मजा करो। खुदा यह चाहता है कि बंदों को नेमत देता है तो वो नेमत का इस्तेमाल करे। फअम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, जो नेमत खुदा ने तुझे दिया उसका जिक्र कर, यानी उसका इस्तेमाल कर। खुदा खुश होता है, देता इसलिए है कि तुम इस्तेमाल कर। लेकिन ये लालची आदमी जो ग्रीडी होता है वो ये सब कुछ भूल जाता है बस मजीद की फिक्र में। लालची इंसान जो होता है, हदीसों के अंदर हमें मिला है कि ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर रुसवा और जलील होगा, और अगर उसने अपना ख्याल नहीं रखा तो लालच के बिना पर तबाह और बर्बाद भी होगा। इसका बाकायदा जिक्र है मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से जब सवाल किया गया है, कहा मौला सबसे जलील इंसान कौन है? आपने कहा अल हरीस अला दुनिया, वो के जो जिसके अंदर लालच हो, दुनिया का तलबगार हो, बस लाओ लाओ, ये सबसे ज्यादा जलील। ऐसा आदमी जो है उसके पास प्रिंसिपल्स नहीं होंगे लाइफ के अंदर। आप देखिएगा जो लालच होता है, लालची, he will have no principles and no discipline, और he can stoop to any level, वो अपने आप को घिरा सकता है बस माल को, और ये जलील होगा, रुसवा, और सिर्फ ये नहीं बल्कि तबाह बर्बाद भी होगा। अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा लिखते हैं, इस वाक़े को बयान करते हैं अपनी किताब गालिबन मेरे ख्याल से आइनुल हयात में, कि जनाबे ईसा अलैहि सलाम, सुनिएगा, एक रोज सफर पर निकले। अब जब वो सफर पर जाया करते थे तो आपके साथ आपके हवारीन भी जाया करते थे, डिसाइपल्स, मगर इस मरतबा तन्हा निकले, अकेले निकले, शायद सुनी हुई बात हो, लेकिन फज़क्किर इन ज़िक्रा तन्फ़ुल मुमिनीन, मोमिनों को याद दिलाओ क्योंकि इसमें फायदा है। निकले, रास्ते में एक मुसाफिर से मुलाकात हुई, वो भी सफर पर निकला था और दोनों एक तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने तय किया कि हम साथ सफर करेंगे। बट इट इज रिकमेंडेड इन इस्लाम, मुस्तहब है कि सफर पर जाओ तो अकेला तन्हा मत जाओ।
हदीस में है, अर रफीकु सुम्मत तरीक, पहले कंपेनियन ढूंढो और फिर सफर पर जाओ, कराहत है, मकरूह है अकेला सफर पर जाना। जनाब ईसा ने कहा कि चल साथ ही जा रहे हो, वक्त गुजर जाएगा, कट जाएगा, ये रास्ता चले। वो चलते चलते दोनों को बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, सफर पे थे। यहां तक के एक गांव में पहुंचे, एक बस्ती में, एक विलेज में पहुंचे। तो जनाब ईसा ने इस शख्स से कहा कि यूं करते हैं कि तू जा इस गांव के सेंटर में और जाके हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम कर और पैसे भी दिए। कहा ये, कहा तू नान लेकर आ। अभी उस जमाने में क्या होगा वल्लाहु आलम, नान ब्रेड को कहते हैं। कहा तू लेकर आ और मैं यहां पर इबादत कर रहा हूं। वो गया, आप मुसल्ले पर बैठे और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। सुनिएगा मजेदार किस्सा है और गौर से सुनिए। वो शख्स तीन नान लेके आया, थ्री loaves ऑफ ब्रेड लेकर आया। अब देखा कि जनाब ईसा जो है इबादत इलाही में मसरूफ है, भूख लगी है और ये इबादत खत्म ही नहीं होती। हा 18 घंटे रोजे रखने के बाद मुअज्जिन जब आजान देता है और मस्जिद में आते हैं, आना पड़ता है कभी कभी, तो यहां पर पहले नमाज, कैसे मुमकिन है भाई, सिगरेट की आदत है, पान की आदत है, तंबाकू की आदत है, खसकी गई चलोगे नहीं। अब जो नमाज पढ़ रहे हैं उसमें भी इख्तिलाफ, कुछ कहेंगे कि हमें मुस्तहबात भी करनी है, नवाफिल हैं जो बुजुर्ग लोग बेचारे और जिनकी आदत है, और जवान लोग बेचारे तड़प रहे हैं, और आजकल कॉम्प्रोमाइज करना भी मुसीबत, और मौलवी ने अगर इनके फेवर में कहा तो वहां से मार खाएगा और यहां कहा तो वहां से मार खाएगा, ऐसी हालत है। अब ये बैठा है, जनाब ईसा इबादत में मसरूफ, खत्म ही नहीं होती है, इसे भूख लगी थी। उसने सोचा कि जनाब ईसा को खबर नहीं कि तीन लव्स लेके आया हूं, तीन नान, यूं करते एक खा ले तो खा गए, रहे दो नान, नमाज तमाम हुई, इबादत तमाम हुई, आप आए और उसके साथ बैठे, देखा दस्तरखान है जो बिछाया था उन्होंने वहां, कहा दो नान है। जनाब ईसा नबी खुदा थे और जो पैसे दिए थे जानते थे कि इसमें कितना नान आएगा। कहा तीसरा नान कहां गया? कहा या रूह अल्लाह, कौन सा तीसरा नान? दो ही तो लेकर आया हूं, एक आपके लिए एक मेरे। कहना तीन तो लेकर आया। कहा नहीं, मैं गया था लेने को, आप गए थे, दो ही नान थे। अब खुदा के नबी खामोश रहे, क्या कहें, उनको तो खबर कि ये झूठ बोल रहा है। खामोशी के साथ दोनों बैठ के खा, फिर वहां से सफर जारी रखे, आगे बढ़े। जब बीच जंगल के पहुंचे हैं, फिर से भूख लगी, काफी वक्त गुजर गया और बहुत भूख लगी है। तो इस शख्स ने कहा कि अब क्या करेंगे, तो सब्र कर। इतने में एक हरनी पर, डियर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, नजर पड़ी। यह वाकया फैब्रिकेटेड नहीं, हकीकत है, हदीसों के हवाले से आया है, इस बात को सुनिएगा। हरनी पर नजर पड़ी, जनाब ईसा ने उस हरनी को पुकारा, हंटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, और वो हिरन हरनी दौड़ती हुई नबी खुदा के पास पहुंची। आपने उसे पकड़ा, जिबा किया, उसके गोश्त का बारबेक्यू किया, मशवी, जिक्र आया है अरबी में, लहम मशवी बारबेक्यू किया, और दोनों पेट भर के खाए। जब खा चुके, अब जो हड्डियां सामने पड़ी हुई थी, जनाब ईसा ने उन हड्डियों की तरफ देखा और कहा कुम भी इज़्निल्लाह, तू जिंदा हो जा अल्लाह के इज़्न से। वो शख्स साथ है, उसने अपनी आंखों से देखा कि हड्डियां फिर से जुड़ने लगी, उस पर गोश्त चरा और वो हरनी जिंदा हो गई। बिल्कुल जनाबे उज़ैर वाला किस्सा जो मैंने परसों की मजलिस में बयान किया था। जिंदा हो गए और जिंदा होने के बाद नबी खुदा से खुदाफिज कही और चली गई। अब ये शख्स हैरान,
अजीम मौजिजा उसने देखा अपनी आंखों से। इट्स अ रेयर अपॉर्चुनिटी, सबको नहीं मिलता है ये मौका। इसने अपनी आंखों से देखा, कहा या रूह अल्लाह ये अजब सुम्मल अजब है, ऐसी चीज मैंने कभी जिंदगी के अंदर नहीं देखी। जनाब ईसा ने उसकी तरफ देखा, कहा अच्छा, कहा ये तो मौजिजा है, क्या शान है, क्या कुदरत है। कहा तुझे उस खुदा का वास्ता देता हूं जिसने अपनी कुदरत और ताकत को तेरे सामने आश्कार और जाहिर किया। ये बता वो तीसरा नान कहां गया। अब जो ये सुना है, अल्लाह अल्लाह, कुछ लोग ऐसे होते हैं आंखों से निशानियों को देखते हैं फिर भी ईमान नहीं। कहा रूह अल्लाह क्या बात है, मैंने कहा पहले भी कहा अब भी कहता हूं नान दो, तीसरा कोई नान नहीं था। इतना बड़ा मोजिजा और नबी खुदा नान के बारे में सवाल पूछते हैं, भाई हिकमत है, राज है। वो ये चाहते थे कि ये हक कहे, सच बात कहे, और ये तैयार नहीं। चले आगे बढ़े यहां तक कि एक शहर में, एक शहर के बाहर पहुंचे। अब उस शहर के बाहर पहुंचे तो ये शख्स जनाब ईसा से कहता है कि या रूह अल्लाह, ऐसा लगता है कि इस शहर में माल बहुत है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेल्थ। कैसे कहा, उसकी नजर पड़ी एक जगह पर कि जहां तीन बड़े बड़े सोने के पत्थर पड़े हुए, थ्री ब्लॉक्स या ब्रिक्स ऑफ गोल्ड। कहा यहां माल बहुत है, आए। जनाब ईसा ने कहा यूं करते हैं, एक मेरा एक तेरा, तीसरा उसका जो तीसरा नान खाया था। अभी इसने मौजिजा देखने के बाद भी झूठ बोला, लालच देखे। कहा रूह अल्लाह सच बताता हूं, मैंने खाया। माले दुनिया की बात आई, दौलत की बात आई, बात निकली बाहर। कहा मैंने खाया। आप मुस्कुराए और कहा देखिए तीनों तू रख ले, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाज़ल फिराकु बैनी व बैनक, अब यहां से तू अपना रास्ता ना और मैं अपने रास्ते पे जा रहा हूं। ये कहकर जनाब ईसा वहां से चले गए। अब ये बैठा है, तीन पत्थर भाई, एक का उठाना मुश्किल है, ये तीन। अब ये बैठा है, स्ट्रेटेजी बना रहा है, अब कैसे उठाऊं, एक प्लान बनाने की जरूरत है, कैसे उठाऊं। सोच रहा था कि इतने में तीन लोग वहां से गुजरे, उनकी नजर इस पर पड़ी, एक शख्स बैठा है तीन पत्थर सोने की उसके सामने, कत्ल कर दिया। मैंने कहा रुसवाई और जिल्लत और तबाही और बर्बादी, लालच में कत्ल कर दिए और ये उन तीनों ब्रिक्स पर, ब्लॉक्स पर कब्जा कर लिए। बैठे, अब वो भी दूर से आए थे, उन्हें भी बहुत भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा उनमें से एक को कि तू जा खाना लेने के लिए, हम इसका ख्याल रखते हैं। वो गया, ये दोनों ने प्लान किया कि वो आएगा उसको हम कत्ल कर देंगे, ये लालच, और उसका हिस्सा हमारे दरमियान में हम शेयर करेंगे। जाने वाला भी स्ट्रेटेजी के साथ गया था, उसने सोचा मैं इस खाने में जहर डालूंगा, ये दो मर जाएंगे, उनका हिस्सा मुझे मिलेगा, ये है माले दुनिया। नतीजा मेरे दोस्तों ये निकला कि तीनों मर गए। वो आया, ये दो उसके ऊपर टूट पड़े, मार दिए, वो मरे, और ये अब बैठे हैं ईद मनाने के लिए, खाना खाए, ये भी गए, चारों गए। शाम के वक्त जब जनाब ईसा उस जगह पर वापस पहुंचे हैं और उन्होंने देखा कि चार लोग मरे हुए, एक उसका साथी है और तीन लोग हैं, तो कहा अल्लाह अल्लाह, जुमला सुनिए, कहा यही सुलूक दुनिया उन लोगों से करती है जो हिर्स रखते हैं, लालच रखते हैं, यही सुलूक दुनिया करती है ऐसे लोगों के साथ के जो हिर्स रखते हैं, लालच दुनिया की, तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। ये एक हकीकत, एक वाकया जो बना, यह है लालच, जरूरी है। और सबसे फकीर इंसान मौलाए कायनात फरमाते हैं लालची इंसान होता है, अल हरीसु फकीरुन व इन मलकत दुनिया बिहदाफीरिहा व माफीहा। हरीस लालची इंसान जो है वो सबसे बड़ा फकीर है, चाहे फिर दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों को वो क्यों ओढ़ न करता हो।
और मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये वो सिफत है कि जिसकी वजह से ये इंसान दीन इलाही से खारिज हो सकता है, दीन इलाही से निकल सकता है। इस लालच की वजह से कितने ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने दीन को भी बेच दिया है, आज भी बेचते हैं मुसलमानों के दरमियान, बेच देते हैं, माले दुनिया हासिल हो बस आ जाए। ये कमजोर लोग होते हैं। कहा जाता है कि जनाब अबू जरे गफारी जो हैं बहुत ब्लंट थे, बहुत हद से ज्यादा ब्लंट थे, पैगंबर के सहाबी और खलीफा सेवूम थर्ड खलीफा के जमाने में उन्होंने जब देखा कि क्या हो रहा है, किस तरह बैतुल माल का इस्तेमाल हो रहा है, तो खलीफा के दरबार में पहुंच गए और कुरान मजीद की उस आयत की तिलावत की जिसमें खुदा ने अजाब का जिक्र किया है ऐसे लोगों के लिए कि जो अपनी लालच की वजह से सोना और चांदी जमा करते हैं, या ऐसों का हशर कयामत के दिन क्या होगा। अब खलीफा कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि अबू ज़र सहाबी रसूल थे, कत्ल नहीं कर सकता था, तो उसको एग्जाइल में भेजा। कहा जाता है कि पहले शाम आए और जब शाम आए हैं तो यहां पर एक अजीब वाकया हमें मिलता है कि अमीर शाम मुआविया ने अपने गुलाम को बुलाया, खबर हुई अबू ज़र आया है और जानते थे ही इज अ ट्रबल शूटर, ये यहां पे प्रॉब्लम खड़ा कर देगा मेरे लिए। मुआविया ने अपने गुलाम को बुलाया, एक थैली अशरफियों को उसे दिया, उसे कहा यह ले जा अबू ज़र को दे। अब जो गुलाम निकला है चाहता था कि निकले, मुआविया ने कहा आज जरा ठहर जा, अबू ज़र पूछेगा कि ये कहां से आ रहा है तो कहना अमीरुल मोमिनीन मुआविया इब्न अबी सुफयान ने भेजा है। अमीरुल ये टाइटल बहुत चीप हो गया था उस जमाने में, जिस तरह आजकल भी कुछ टाइटल्स हैं बहुत चीप हो गए हैं, शेख का टाइटल जो है हर दूसरा शख्स शेख है। और मैं ये कहा करता हूं कि द मोस्ट जेनरस कम्युनिटी इन दिस वर्ल्ड विच बिस्टोज फ्री टाइटल्स अपॉन पीपल खोजा है, जो आके खड़ा हो गया, कुरान की आयत पढ़ ली, चंद हदीसें, बड़े बड़े उलमा का नाम ले लिया, बिहारुल अनवार का या अल काफी का या तहजीबुल इस्लाम का, वो जो खुश। कहा ये आलिम है, बाकी सब हजाम है। आप उठाकर देख लीजिए वेबसाइट्स, मैं तो ये स्टेनमोर भी मैंने कहा कि आप अपने वेबसाइट्स को देख लीजिए, शेखों की कमी नहीं है, सब शेख हैं। याद रखिएगा कि हमारे बच्चे जो हैं गुमराह हो जाएंगे इसकी वजह से, ये समझेंगे कि ये उलमा हैं, साहेबान इल्म हैं, जबकि उन्होंने हौज़े इल्मिया में कोई तालीम तक भी हासिल नहीं की, शेख। तो ये अमीरुल मोमिनीन का टाइटल भी उस जमाने में बहुत चीप हो गया था। कहा कहना कि अमीरुल मोमिनीन की जानिब से ये पैसे आए हैं। कहा ठीक है। कहा दूसरी बात सुन, अगर अबू ज़र ने पैसे ले लिए तो उसके बाद से तू आजाद, तू आजाद। अपने गुलाम से कहा। वो थैली लेकर आया, अबू ज़र के साथ बैठा, यहां वहां की बात की। कहा अबू ज़र ये तुम्हारे लिए है, तोहफा आया है। कहा किसने भेजा? कहा अमीरुल मोमिनीन मुआविया बिन अबी सुफयान ने, तुम्हारे लिए। अबू ज़र ने कहा ये मुझे मंजूर नहीं है, ले जाओ वापस। अब आप देखें इमोशनल ब्लैकमेल। उसने कहा अबू ज़र जानते हो कि अगर तुमने ये थैली ले ली तो उसके बाद से मैं आजाद हूं। बस मेरे दोस्तों, ये सुनना था कि एक मर्तबा अबू ज़र खफा हुए और कहा तू क्या कह रहा है, इन अशरफियों को अगर मैंने ले लिया तो तू आजाद हो जाएगा, मैं जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम हो जाऊंगा, मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा। अबू ज़र जानता था कि मुआविया कौन है, हा ये जानता था कि किस खानदान से उसका ताल्लुक है, उस खानदान से ताल्लुक की जिसके बारे में कुरान ने कहा कि यह शजरतुन खबीसा है, उस खानदान से। और कहा मैं इसका गुलाम हो जाऊंगा, इसका गुलाम हुआ तो मैं अपने दीन को बर्बाद करूंगा।
इस तरह इन्होंने खेला है लोगों के साथ, लालच को जगा कर खरीदा गया है। आजादार उसर जमीन करबला पर भी जो 30,000 लोग आए हैं हुसैन के मुकाबले में, किस तरह है? तारीख उठा के पढ़े हैं, कुछ खौफ के बिना पर आए कि अगर नहीं आए तो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए, यजीद सब कुछ हमारा बिगाड़ देगा। और उनमें से जो बड़े बड़े सरदारान थे लश्कर यजीद के, ये वो थे कि जो लालच के बिना पर, उमर इब्न साद का तस्करा हुआ, मौला ने जब पूछा है कि क्या तू मुझे नहीं जानता, कहा मैं जानता हूं हुसैन के तुम कौन हो, लेकिन आज मैं अपने आप को बहिश्त और रे की हुकूमत के दरमियान में पा रहा हूं। हुकूमत तो दुनिया में मिल जाएगी, बहिश्त किसने दी? ये है मेरे दोस्तों, जरूरी ये है कि हम अपने आप को ट्रेन करें और अपने आप को बचाएं। माले दुनिया दौलत वो चीज है जो इंसान को अल्लाह और आखिरत से गाफिल बना देती है। 8 तारीख है माह मुहर्रम की, और आज माएं इस मजलिस में तमन्नाएं लेकर आई, क्योंकि आज तज़करा कमर बनी हाशम अबुल फजल अब्बास का होगा। आज़ादारो अब्बास आरज़ूए अली का नाम है, तमन्नाए अली का नाम है, दुआए अली का नाम। तारीख में हमें मिलता है कि जनाब सैयदा के इंतकाल के बाद जब मौला ने फिर से कस्द अक्द किया है तो अपने बेटे हुसैन को अपने साथ लेकर अपने भाई जनाब अकील के पास आए कि जो अनसाब अरब से वाकिफ थे, और कहा भैया अकील मेरी ब्याह के लिए, मेरी शादी के लिए एक ऐसी औरत तलाश कर दो जिसका ताल्लुक खानदान शुजात से हो, ताकि खुदा उससे मुझे एक ऐसा फर्जंद अता करे कि जो मेरे इस हुसैन के काम आए। रिवायत का जुमला है अशारा इला इब्न हुसैन, मौला ने अपने बेटे हुसैन की तरफ इशारा। जनाब अकील ने आपकी निस्बत ठहराई जनाब फातिमा किलाबिया के साथ, जिससे आपको 4 फर्जंद अता हुए, अब्दुल्लाह, जाफर, उस्मान और अबुल फजल अब्बास। ये 4 फर्जंद, और इन्हीं 4 बेटों की वजह से जनाब फातिमा का नाम पड़ा उम्मुल बनीन, यानी बेटों की मां। और अजादार तारीख गवाह है कि अब्बास की पैदाइश से लेकर अपनी शहादत तक खुद मौला ने अब्बास की तरबियत की, परवरिश की। और 21वीं माह रमजान की जब वो कयामत की रात आई है, जब मौला इस दुनिया से जाने लगे हैं, मुअर्रिखीन ये लिखते हैं कि आपने अपने तमाम घर वालों को बुलाया, जमा किया, अपने बेटे हसन को नजदीक बुलाया, और उसके बाद हर एक को बुलाया नाम से पुकार पुकार के, और सुपुर्द हसन मौला ने किया। जब सब घर वालों को सुपुर्द हसन कर चुके, तारीख में मिलता है कि उस हुजरे के कोने से किसी खातून के रोने की आवाज बुलंद हुई। मौला ने पूछा ये कौन रो रही है? आपको बताया गया कि ये मादर अब्बास उम्मुल बनीन रो रही है। मौला ने उम्मुल बनीन को करीब बुलाया, कहा उम्मुल बनीन रोने का सबब क्या है? कहा मेरे आका, मेरे मौला, आपने सबको हसन के सुपुर्द किया,
मेरे बेटे अब्बास ने कौन सा जुर्म किया है कि आपने उसे हसन के हवाले नहीं। मौला एक मरतबा मुस्कुराए, गोया कह रहे थे कि उम्मुल बनीन तू क्या जाने कि मैं अब्बास को किसके हवाले करूंगा। आपने अपने बेटे हुसैन को करीब बुलाया, फिर अब्बास को पुकारा, लेकिन उस वक्त अब्बास उस हुजरे में नहीं था। कहा बेटा हसन जरा अब्बास को बुला लाओ। तारीख में मिलता है कि इमाम हसन ढूंढते ढूंढते जब घर के बाहर निकले हैं तो क्या देखा कि घर के चौखट पर अब्बास बैठकर जारों कतार रो रहे थे। कहा अब्बास बाबा ने तुम्हें याद किया है। बस सुनना था कि खुशी खुशी अब्बास एक मरतबा आके अपने बाबा के सरहाने खड़े हो गए। मौला ने एक हाथ से हुसैन के हाथ को उठाया, दूसरे हाथ से अब्बास के हाथ को लिया, हुसैन के हाथ पर रखा और कहा बेटा अब्बास मैंने तुम्हें हसन के हवाले नहीं किया, हुसैन के सुपुर्द किया। अब जहां जहां हुसैन जाएगा वहां वहां तुम जाओगे। और तारीख गवाह है कि इमाम की शहादत के बाद जहां जहां हुसैन गए हैं वहां साथ साथ अब्बास भी गए। अजादारो, मौला के पास तीन शख्सियतें ऐसी थी कि जब तक जिंदा थे दुश्मन परेशान हाल और बेचैन थे। एक शख्सियत जनाब मोहम्मद हनफिया की थी जिसे इमाम ने मदीने में छोड़ा था। दूसरी शख्सियत जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की थी जिसे इमाम ने कूफा भेजा था। और तीसरी शख्सियत जनाब अबुल फजल अब्बास की थी जिसे इमाम अपने साथ लेकर करबला है। आजाद हारो, करबला में कई बार अब्बास ने अपनी शुजात का मुजाहरा किया है, कई बार। बहुत सी रिवायतें हैं इस सिलसिले में, एक रिवायत में हमें मिलता है और अजीब ताल्लुक था अपनी बहन शहजादी जैनब के साथ, अजीब ताल्लुक था। कहा दूसरी मुहर्रम को, तीसरी मुहर्रम को जब तराई से खैमे हटाने का हुक्म लाए हैं जालिम, तो अब्बास को एक मरतबा जलाल आ गया, देखता हूं किसकी मजाल है कि साकी कौसर के खैमों को तराई से हटाए। मौला ने जब ये देखा, कहा जाता है कि जब भी अब्बास को जलाल आ जाता मौला कभी अब्बास के सामने नहीं आते, अपनी बहन जैनब को भेजते। मौला खैमे के अंदर आए, फरमाया बहन जैनब गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अब्बास को जलाल आ गया। शहजादी ने कहा अम्मा फिजा जरा मेरे शेर को बुला लाओ। अब्बास खैमे के अंदर आए, कहा शहजादी आपने याद फरमाया? कहा भैया अब्बास मैंने सुना है कि तुम्हें जलाल आ गया है। कहा शहजादी तराई से खैमे हटाने का हुक्म लाए हैं जालिम, भला अब्बास के होते हुए किसकी मजाल है कि इन खैमों को हटाए। शहजादी आगे बढ़ी, एक मर्तबा भाई को सीने से लगा लिया, कहा शाबाश मेरे शेर शाबाश, लेकिन भैया अब्बास मौला का हुक्म है कि तराई से खैमे हटाए जाए। बस ये सुनना था, एक मर्तबा आपने सर को झुका लिया, कहा मौला का हुक्म है सर तस्लीम खम है। दूसरा वक्त आजादारो, जब अब्बास ने अपनी शुजात का मुजाहरा किया शब आशूर, जब शिमर ने आकर अलमदार को आवाज दी, अब्बास नहीं जाना चाहते थे, मौला ने बुलाया, कहा भैया अब्बास जरा जाकर देखो शिमर तुमसे क्या चाहता है। खैमे से बाहर निकले, कहा शिमर जरा ये तो बता तूने मुझे क्यों याद किया? कहा ए अब्बास तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुम मेरे अजीज हो, आज की रात में तुम्हारे लिए अमान नामा लेकर आया हूं, देखो अभी भी तुम्हें फुर्सत हासिल है, मेरे साथ चलो और अपनी जिंदगी को खामखा बर्बाद न करो। अजादारो ये अमान नामा नहीं लेकर आया था, अपनी बुजदिली का ऐलान करने के लिए आया था।
बस ये सुनना था कि एक मर्तबा फिर से अब्बास को जलाल आ गया और कहा, ए शिवर तुझ पर और तेरे अमान नामे पर खुदा की लानत, मेरे लिए अमान नामा लेके आया है, फरजंदे रसूल के लिए कोई अमान नहीं। ए शिवर याद रख, अगर मुझे इजाजत होती तो कब से तेरे सर को कलम कर दिया होता। अजादारो ये कहकर अब्बास एक मर्तबा खैमे के अंदर आए। रिवायतों में हमें मिलता है शहजादी ज़ैनब ने बुलाया, कहा भैया अब्बास शिमर ने तुम्हें क्यों याद किया। अब्बास ने अपने सर को झुका लिया और कहा, शहजादी आज की रात मेरे लिए अमान नामा लेके आया है, मुझे अपने साथ ले जाना चाहता। शहजादी ने पूछा कि भैया अब्बास फिर तुमने क्या कहा। कहा शहजादी मैंने कहा, तुझ पर और तेरे अमान नामे पर खुदा की लानत हो, मैं अपने आका को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। अजादारों सुन सकोगे, शहजादी ने एक मरतबा अपने सर को झुका लिया और कहा, लेकिन भैया अब्बास अगर तुम जाना चाहते हो। कहा भैया अब्बास अगर तुम जाना चाहते हो तो ये बहन तुम्हें रोकती नहीं। आह कलेजा मुंह को आ गया। कहा शहजादी क्या इस गुलाम पर इतना भी भरोसा नहीं है। शहजादी मेरे रगों में भी अली का खून है और आप ही ने मुझे पाला है, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊं। कहा भैया अब्बास बुरा न मानना, ये बहन ने सिर्फ अपना हक अदा की है, वरना भैया अब्बास मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अजादारों एक लम्हे के लिए सोचे कि जिस बहन को अपने भाई पर इतना भरोसा हो, इतना भरोसा हो, उस वक्त शहजादी के दिल पर क्या गुजरा होगा कि जब अब्बास आखिरी रुख्सत के लिए खैमे में आए होंगे और मैदान में जाने की इजाजत मांगे होंगे। तारीख में मिलता है कि जब मौला के आयजा और अंसार में से कोई भी जिंदा नहीं रहा, एक मर्तबा अब्बास आकर मौला के सामने खड़े हो गए, कहा मेरे आका मेरे मौला मुझे भी रन की इजाजत दीजिए। मौला ने कहा भैया अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो। अब्बास ने चारों तरफ देखा, कहा मेरे आका मेरे मौला अब वो लश्कर रहा कहां, अब वो लश्कर रहा कहां। अजादारों बहुत इसरार के बाद मौला ने अब्बास को रन की इजाजत दी लेकिन जंग की इजाजत नहीं दी। मौला इस बात से डरते थे कि अब्बास अगर मैदान में लड़ने के लिए गए हैं तो तारीख करबला का नक्शा बदल जाएगा। कहा अब्बास जाना चाहते हो तो जाओ, छोटे छोटे बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो, लेकिन भैया अब्बास मैदान में जाने से पहले खैमे में अपनी बहन के पास जरूर जाना। अजादारो अब जो अब्बास खैमे के अंदर दाखिल हुए हैं, शहजादी ने अपने भैया को देखा, अपने शेर को देखा, समझ गई, हसरत भरी नजर से देखा, आंखों से आंसू जारी हुए। कहा भैया अब्बास 21वीं माह रमजान की शब थी, बाबा अली मुर्तजा का वक्त आखिर था, बार बार मेरे बाजुओं का बोसा ले रहे थे। मैंने पूछा बाबा ये क्या, बाबा ने कहा ए ज़ैनब मेरे बाद इन बाजुओं में रस्सियां बंधी जाएगी। ए ज़ैनब सब्र करना, उम्मत के हक में कभी बददुआ न करना। ए भैया अब्बास मैं ये सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई जिंदा हो, किसकी मजाल है मेरे बाजुओं में रस्सियां बांधे, लेकिन भैया अब्बास अब वो वक्त दूर नहीं, तुम्हारी ये बहन बलवैया में खुले सर आएगी, हाथों में रसन होंगे। अब्बास शहजादी से रुख्सत हुए, खैमे से निकले। तारीख में मिलता है कि जब अपने घोड़े पर सवार हुए हैं, मौला आए एक नेजा और मश्क लेकर
और अब्बास के सपोर्ट किया, कहा भैया अब्बास इस मश्क में बच्चों के लिए पानी भर लेना और इस नेजे से अपनी दिफा करना। अजादार आलम अहमद मुख्तार को अब्बास ने उठाया, चाहते थे कि मैदान की तरफ जाए कि मौला ने पुकार कर कहा भैया अब्बास जरा ठहर जाओ, भैया अब्बास जरा ठहर जाओ। अब्बास रुके हैं, मौला एक मर्तबा करीब आए, करीब आए, अलम के फरेरे को मौला ने खोल दिया, अंगुश्ते मुबारक से नीचे के हिस्से में कुछ लिखा और फिर उसके बाद अब्बास मैदान की तरफ रवाना हो गए। लेकिन खैमे से शहजादी ज़ैनब की नजर पड़ गई, अपने माजाए को बुलाया, पूछा ए भैया जरा ये तो बताओ कि उस अलम के फड़ेरे पर तुमने क्या लिखा। कहा ए बहन ज़ैनब सुन सकोगी, उस अलम पर लिखा हुआ था नसरुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, और उसके नीचे के हिस्से में मैंने लिख दिया इन्ना लिल्लाह وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ये शेर अब वापस खैमे में नहीं आएगा। अब्बास रवाना हुए, ऐसी तेजी से आए हैं मैदान में, वल्लाह जमाने ने समझा हैदर कर्रार आ रहे हैं। दुश्मनों को खबर हुई अब्बास आ रहे हैं, किसकी मजाल थी कि अब्बास के रास्ते को रोकता। अब्बास को देखकर दुश्मन भागने लगे, रास्ता खाली होता गया, यहां तक कि एक मर्तबा अब्बास फुरात के किनारे पहुंचे, अपने घोड़े से उतर गए। सबसे पहला काम जो अब्बास ने किया, मश्क सकीना को पानी से भर ली। और फिर उसके बाद अजादार और रिवायतों के अंदर हमें ये मिलता है कि अब्बास ने एक चिल्लू पानी का लिया, मुंह तक लेकर आए, फिर गौर से पानी की तरफ देखा, खयाम हुसैनी का रुख किया, कहा मेरे आका मेरे मौला ये अब्बास कैसे पानी पी रहे, अभी आप प्यासे हैं, आपके बच्चे प्यासे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इन्नल अम्मल अब्बास मकामुन इंदल्लाह, यकीनन मेरे चचा अब्बास का एक अजीम मकाम है अल्लाह के नजदीक। कयामत के दिन जब तमाम शुहदा की नजर अब्बास के मकाम पर पड़ेगी तो सबके दिलों में यह तमन्ना पैदा होगी, काश ये मकाम हमें भी हासिल होता। अल्लाह रे वफादारी अब्बास। उस चिल्लू पानी को अब्बास ने दरिये में फेंका, घोड़े पर सवार हुए, खयाम का रुख किए, अब खैमे की तरफ बढ़ने लगे। पिसरे साथ की नजर पड़ी, चिल्लाकर कहा बुजदिलो ये पानी किसी तरह से खयामे हुसैनी तक पहुंचने न पाए। दुश्मनों ने दूर से एक हलका बनाया, किसी की मजाल नहीं थी कि अब्बास के करीब आता। बढ़ते बढ़ते एक मरतबा अब्बास की नजर कुछ दरख्तों पर पड़ी, घोड़े के रुख को मोड़ा और उन दरख्तों से गुजरने लगे, उन दरख्तों से गुजरने लगे। रिवायत में है एक दरख्त के पीछे कोई शकी छुपा हुआ था। अब जो अब्बास गुजरे हैं, अब जो अब्बास गुजरे हैं, तलवार का इस तरह वार किया कि एक शाना अब्बास का कलम होकर जमीन पर गिरा। अब्बास शुजात का आलम देखें, अब्बास तेजी से आगे बढ़ते गए, लेकिन एक दूसरे पर दरख्त के पीछे से दूसरे शकी ने पीछे से वार किया, दूसरा शाना भी कलम हुआ। अजादारो मश्क को अब्बास ने अपने दांतों से संभाला, मौला दर खैमा पर खड़े थे, दूर से क्या देखा कि आलम अहमद एक मुख्तार एक मर्तबा झुका, अलम एक मर्तबा झुका, बस अब्बास आगे बढ़ते जाते थे और कहते जाते थे खुदाया खुदाया जो भी हो ये पानी छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच, खुदाया ये पानी छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच जाए। कि अजादारों इतने में गजब हुआ, दो तीर चला, एक तीर अब्बास की आंख में पैवस्त हुआ, दूसरे तीर ने मश्क सकीना का बोसा लिया, आंख से खून मश्क से पानी बहने लगा।
बस अब जीना कैसा, अब्बास के आरजू खाक में मिल गए, अपने पांव से घोड़े के रुख को मोरा, खयाम की तरफ बढ़ रहे थे, घोड़े के रुख को मोरा, अब फरात की तरफ जाने लगे। इतने में एक शकी ने भरकर सर अकदस पर गुर्ज मारा, अब्बास घोड़े पर संभल न सके। अजादारों कहा जाता है, कहा जाता है कि जब भी जाकिरीन मिंबर से शहादत अब्बास बयान करते हैं तो फातिमा जहरा आकर मिंबर के सरहाने बैठ जाती है। आओ फातिमा जहरा को पुरसा दो, मैं बताऊंगा क्यों फातिमा जहरा आकर मिंबर के सरहाने बैठ जाती है। करबला में जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरा है, जमीन पर पहुंचा, हाथों से सहारा लिया, अब्बास के दो शाने कलब हो चुके, मुंह के बल जमीन करबला पर गिरे, चिल्लाकर कहा वाको ए आका। जो ये आवाज मौला के कानों से टकराई, एक मर्तबा मौला ने अपने कमर को अपने हाथों से संभाला, अजीब मर्सिया इमाम ने पढ़ा, कहा अल आन इनका सरा वहरी व किल्लत हीलती, ए भैया अब्बास मेरी कमर टूट गई, मेरे आरजू खाक में मिल गए, ए भैया अब्बास आज की रात दुश्मन चैन की नींद से सोएंगे। आए मैदान में क्या देखा, शेर अब ज़ैनब जमीन पर पड़ा हुआ, दो शाने कलम हो चुके हैं, एक तीर आंख में पैवस है। आकर अब्बास के सरहाने बैठ गए, अब्बास के सर को जानू पर रखा, अब्बास ने एहसास किया सर जानू इमाम पर हटा लिया, मौला ने फिर से रखा, फिर से अब्बास ने सर को हटाया, मौला ने पूछा भैया अब्बास बात क्या है, कहा मेरे आका मेरे मौला मैंने ये देखा कि सुबह से जब भी कोई शहीद घोड़े से जमीन पर आया आपने सबके सर को उठाया जानू पर, आप जब गिरोगे आपके सर को उठाने वाला कौन होगा। कहा अब्बास मेरी माँ जन्नतुल बकी से आएगी और मेरे सर को अपने जानू पर उठाएगी। कहा भैया अब्बास अगर कोई वसीयत हो तो कर लो। कहा मेरे आका वसीयत नहीं करनी, बस इतना अर्ज करना चाहता हूं, छोटे छोटे बच्चों से पानी का वादा किया था वफा न कर सका, खुदा के लिए मेरी मैयत को खैमे में न ले जाना। मौला ने कहा भैया अब्बास मेरी भी एक ख्वाहिश एक तमन्ना है भैया। कहा क्या है, कहा जिंदगी भर तुमने मुझे आका कहा, वक्त आखिर एक मर्तबा भैया कहो। अजादारो अब्बास मुस्कुराए, कहा भैया, रूह गुलशन जन्नत की तरफ परवाज कर गई। शेर ज़ैनब को मौला ने फरात के पास सुलाया, अलम अहमद मुख्तार को उठाए, रवाना हुए खैमों की तरफ जाने लगे। रिवायतों में हमें मिलता है कि सकीना छोटे छोटे बच्चों के साथ मुंतजर थी, दूर से अलम पर नजर पड़ी, कहा बच्चों आओ मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। अब जो हुसैन करीब पहुंचे हैं तो क्या देखा बच्चों ने, घोड़ा आया अलम आया अलमदार नहीं। सकीना ने बढ़कर पूछा बाबा चचा कहां। अब छोटे छोटे बच्चों को मौला किस तरह कहे कि अब्बास जिंदा नहीं रहे। इमाम मोहम्मद बाकर करबला में मौजूद थे, 5 साल की उम्र थी। आप फरमाते हैं जब मेरे जद्दे अमजद मैदान से आए हैं और सकीना ने पूछा बाबा मेरे चचा कहां, मौला ने कुछ जवाब नहीं दिया, खैमे अब्बास की तरफ बढ़े, छोटे छोटे बच्चे आपके पीछे पीछे चले।
खैमे अब्बास को पहुंचे हैं तो खैमे को इमाम समेटना शुरू किए, खैमे को समेटना शुरू किए। सकीना ने चिल्ला कर कहा, हाय मेरा चचा नहीं रहा। इल्तिमास दिया।